हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर आते हैं। इसमें देखते हैं व्हाइल लूप कि पाइथन में हम व्हाइल लूप किस तरह से यूज़ करते हैं। ये हमारा सिंपल व्हाइल लूप का सिंटेक्स है कि हमने एक आई वेरिएबल ले रखा है जो हमारा जीरो है, ठीक है। और व्हाइल के अंदर हमें कंडीशन लगानी होती है, आई लेस देन होना चाहिए 10 से, और प्रिंट कर रखा है हमने नंबर को और आई को, ठीक है। नंबर आ जाएगा आई के साथ और फिर हमने प्लस इक्वल किया हुआ है आई को कि आई की वैल्यू प्लस इक्वल हो जाए 1 के साथ। जितनी बार कंडीशन ट्रू रहेगी उतनी बार ये प्लस होता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी ये लूप हमारा रुक जाएगा। तो ये हमारा व्हाइल लूप का सिंटेक्स है सिंपल। इसको हम कोड के थ्रू चला के दिखाते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं, व्हाइल लूप डॉट पी वाई। इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल जीरो कि हमारा लूप स्टार्ट होगा जीरो से। लूप का नाम लिखते हैं व्हाइल, कंडीशन लगाते हैं आई लेस देन छोटा होना चाहिए 10 से, तो हमारे को 10 तक लूप चलाना है। और प्रिंट क्या करना है, जैसे मैं मेरा नाम प्रिंट कर लेता हूँ, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कर देते हैं आई प्लस इक्वल 1, ठीक है। और इसे रन करते हैं सिंपल सीडी पाइथन, फाइल का नाम है वाइल, ठीक है। तो ये हमारा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब कितनी बार प्रिंट हुआ ये हमें नहीं पता, इसके आगे ये लगाएंगे आई, अब हमें पता लगेगा कि प्रिंट कितनी बार कर रहा है। जीरो से लेके 9 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं तो 1 से लेके 1 से 10 तक प्रिंट करके देगा। अभी ये दीपक 1 2 3 4 और ये 10 तक प्रिंट हो गया। व्हाइल लूप की मदद से हमने इस नाम को प्रिंट किया है 10 बार, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप कि हमें लूप को कहाँ पर रोकना है, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ आई इक्वल इक्वल 5, जहाँ पे 5 हो जाए वहीं पे ये ब्रेक हो जाए बस। तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा और 5 के बाद ये नहीं चलेगा, ठीक है। रन करवाते हैं, 1 से लेके 5 तक चल रहा है। अगर इस कंडीशन को हम ऊपर कर देंगे तो 4 तक चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन पहले लगा दी, प्रिंट बाद में हो रहा है इसलिए हमने इसको नीचे रख रखा था, तो ये 5 बार चल रहा था, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेक कि ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं लूप के अंदर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है कंटिन्यू। कंटिन्यू कैसे यूज़ करते हैं, कंटिन्यू के लिए हमें क्या लिखना है, अगर i इक्वल इक्वल 5 है तो कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू CONTINUE, ठीक है, कंटिन्यू। जहाँ पे i आएगा i रिमूव हो जाएगा और उसके बाद चालू रहेगा लूप। करते हैं, ये क्या हुआ, ओहो इन्फिनिटी चल गया। लाइन नंबर 3 के अंदर कुछ एरर बता रहा है ये, लाइन नंबर 3। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले प्लस इक्वल हो रहा है, उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ब्रेक हो रहा है, तो रन करेंगे दोबारा से। पहले एक बार
क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। कंटिन्यू में क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ भी। एक मिनट, इसको नीचे लेके आओ, अभी सही है। और इसे भी नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 5 के 5 हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। एरर है इसमें, एरर क्या है? ओहो, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अब सही आ रहा है, ठीक है। 1 से लेके 5 हमारा इसमें नहीं आ रहा, 5 हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, हमारे पास है एल्स स्टेटमेंट इन वाइल लूप, कि जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ, 1 से 10 प्रिंट हो रहा है अभी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, एल्स चलाना है इसका। एल्स कंप्लीट लूप, ठीक है। दस के बाद हमारे को मैसेज आ रहा है कि आपका लूप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा एल्स स्टेटमेंट। अभी इसमें, इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ देखी। एक तो सिंपल वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरह से प्रिंट करते हैं, ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं लूप के अंदर, कंटिन्यू कैसे यूज़ करते हैं लूप के अंदर, और एल्स कैसे यूज़ करते हैं लूप कंप्लीट होने पर, ठीक है। एल्स तभी चलता है जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाता है, कि जब इफ कंडीशन में नहीं आता, एल्स में आता है। तो इस वीडियो में हमने वाइल लूप के बारे में देखा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।